अक्सर देखने को मिलता है, जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है तो ठीक वैसे वैसे लोग वायरल फीवर की चपेट में आने लगते हैं। इससे निपटने के लिए वैसे तो बाजार में कई एंटीबायोटिक मौजूद हैं, लेकिन शरीर पर इनके साइड इफ़ेक्ट के साथ मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। ऐसे में ये आसान घरेलू नुस्खे आपको सेहत के इस दुश्मन से जल्द ही निजात दिला सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायरल फीवर से किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अदरक का। वायरल बुखार को ठीक करने के लिए सबसे पहले अदरक के साथ थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च और चीनी मिलाकर उसका काढ़ा बना लें। दिन में 3 से 4 बार इस काढ़े को पीने से बुखार दूर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है धनिए की। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया डालकर उसे पकाएं। पक जाने पर कप में छानकर उसमें स्वाद अनुसार दूध और चीनी डाल लें। इसको पीने से आपका बुखार झट से गायब हो जाएगा। इसके अलावा अब बारी आती है तुलसी की। 1 मुट्ठी तुलसी के पत्तों और 1 चम्मच लौंग पाउडर को 1 लीटर पानी में उबाल कर रख लें। इस पानी को हर 2 घंटे के अंतराल में पी लें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब जो बारी आती है वो आती है मेथी की। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो कर रख दें। सुबह मेथी के दाने में नींबू का रस और शहद मिलाकर खाएँ। ऐसा करने से जल्दी ही वायरल फीवर दूर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि 1 भाग चावल और 1/2 भाग पानी डालकर पकाएं। जब चावल आधा पक जाए तो इसके पानी को अलग कर लें। इस पानी में स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर पीने से भी वायरल फीवर जड़ से ख़त्म हो जाता है। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।